Hi guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. And in today's video, I will be reviewing the sunscreens from my personal favorite skincare brand, that is absolutely Dot & Key. अगर आप मुझे लंबे टाइम से देख रहे हो, so you must be knowing how much I love Dot & Key skincare. हर एक वीडियो में किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात करी है, but in today's video, I will only be talking about their sunscreens. So मेरे पास है यहाँ पे दो sunscreen. One is their OG Vitamin C Plus E Super Bright Sunscreen, जो सबसे पहला लॉन्च था उनका इन सनस्क्रीन कैटेगरी, एंड the other one is Watermelon Cooling Sunscreen, which has Hyaluronic Acid as well. So, इस वीडियो में मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में इन डिटेल बात करूंगी. सो यू कैन से दिस इज अ इन डेप्थ रिव्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. आई हैव बीन यूजिंग देम सिंस द टाइम दे हैव बीन लॉन्च्ड. मुझे PR आए हैं, मैंने खुद भी परचेज किया है, एंड आई थिंक मैं इन दो सनस्क्रीन्स के अलावा और कोई भी किसी भी ब्रांड का सनस्क्रीन नहीं यूज करती. मैंने बीच में एक दो स्विच करे थे, बट देन आई जस्ट एंडेड अप वेस्टिंग देम, या वो ऐसे ही रखे हैं आज तक मेरी वैनिटी में. आई हैव बीन ओनली यूजिंग दीज सनस्क्रीन, सो दैट्स द रीजन आई लव देम सो मच. सो इनके सारे ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. Now this is absolutely a non-sponsored video, a honest review from myself. Nobody is paying me to make this video for you all. I wish Dot & Key could have been sponsored this video. Actually Dot & Key ko mere channel pe dekhna chahiye, main kitna unke skincare ke bare mein baat karti hu. But anyways, ye video kisi ki bhi taraf se sponsored nahi hai. This is my personal opinion, my honest review, jo bhi maine experience kiya hai in products ke saath. With my acne journey, with my dry skin, combination skin, oily skin, जैसे जैसे weather change होता है skin change होती है, but हर एक weather में I have been only using these two sunscreens. So हम सारी चीज़ों के बारे में इस video में बात करेंगे. So without any further ado, let's get started. Now, like I always say, Dot & Key is really doing good in terms of skincare. I really like their price point, their ingredients, उनका skincare packaging. मुझे हर एक चीज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा पसंद है. मैंने एटलीस्ट 80-90% प्रोडक्ट्स Dot & Key के यूज़ करे हैं खुद पे, एंड आई रियली इन्जॉय यूजिंग देम ऑन माई फेस. मेरे स्किन केयर में, हेयर केयर में मैंने यूज़ करा है. आई रियली लाइक देयर प्रोडक्ट्स. बट जो एक सनस्क्रीन है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है. आई लव 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 यूजिंग देयर सनस्क्रीन्स, एंड मैं और कोई सनस्क्रीन अपने फेस पे एक्चुअली लगा ही नहीं रही हूँ सिंस द टाइम आई हैव बीन यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. मुझे इतने ज़्यादा पसंद है. सो सबसे पहले बात करते हैं जो है कॉमन इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में, विच इज़ ऑफ कोर्स देयर पैकेजिंग. सो पैकेजिंग इनका जो आउटर पैकेजिंग है, दैट इज ऑफ अ कार्डबोर्ड का जो कंटेनर आता है उसमें ये मिलेंगे आपको. कार्डबोर्ड साइज का बॉक्स आता है. क्लियरली आई डोंट हैव दिस बिकॉज मैं इनको रेगुलरली यूज कर रही हूँ, सो मेरे पास पैकेजिंग नहीं है इनकी. सो आई विल पुट अ पिक्चर समवेयर हेयर फॉर योर रेफरेंस, आप देख सकते हो. कार्डबोर्ड बॉक्स के बाद आपको कुछ इस तरीके की बॉटल्स मिलती हैं. यू कैन सी कैप इज ऑफ व्हाइट कलर, एंड देन ट्यूब के कलर्स से आप एक्चुअली डिफाइन कर सकते हो इनकी रेंज को. लाइक इनका जो हाइलुरोनिक एसिड वाला रेंज है, वाटरमेलन रेंज है, दैट इज ऑफ पिंक कलर. देन वाइटामिन सी इज येलो कलर. सो येलो कलर से आपको पता चल जाएगा जितने भी येलो प्रोडक्ट्स होंगे, दैट इज फ्रॉम वाइटामिन सी प्लस ई रेंज. देन ब्लू कलर इज फॉर आई थिंक बैरियर रिपेयर रेंज. सो इस तरीके से आप इनके कलर कोडिंग से ही आराम से अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो. नाउ इनकी जो पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ, दैट इज सुपर सुपर ट्रैवल फ्रेंडली, बिकॉज इनका जो कंटेनर है वो राउंड नहीं है. कुछ इस तरीके का ओवल शेप का आपको बॉटल मिलता है. आई डोंट नो क्या शेप का नाम है ये, बट इट इज़ रियली 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 कॉम्पैक्ट, और ये आराम से फिट भी हो जाता है. यू कैन जस्ट ट्विस्ट इट वंस, एंड इस तरीके से आपका ट्यूब से आप प्रोडक्ट को डिस्पैच कर सकते हो. सुपर ईजी, बिल्कुल भी मैसी नहीं होता प्रोडक्ट निकालते टाइम. पंप भी नहीं है, ईजिली आपको हल्का सा स्क्वीज करने पर प्रोडक्ट आपका ईजिली बाहर आ जाता है, एंड ट्रैवल के लिए एज आई मैंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. Now talking about the price point, so 50 gram of product retails for 445 rupees, but हमेशा इनके आपको वेबसाइट पे, नायका पे सेल मिल जाएगी, सो ये आपको और ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे. Also if you are buying them from Dot & Key का वेबसाइट, so you can use my code, मैं यहाँ पे कहीं mention कर दूंगी Rubel10, use that code, so आपको extra discount भी मिल जाएगा. Now both has SPF 50 PA triple plus in it, both has UVA plus UVB protection, both
बोथ हैज ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, दोनों में ही जीरो कास्ट बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप ये वाला लगा लो या ये वाला लगा लो, आपके फेस पे व्हाइट कास्ट नहीं रहेगा. इट जस्ट एब्जॉर्ब सो क्विकली. दोनों का फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी ग्रीसी फॉर्मुलेशन नहीं है, ऑयली नहीं बनाएगा आपके स्किन को. एंड इट विल बोथ प्रोडक्ट्स विल गिव यू ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्रॉम सन, लाइक फॉर गुड 2 to 3 hours. ये बिना रीएप्लीकेशन के आराम से आपके फेस पे चल सकते हैं इफ़ यू आर आउट इन अ वेरी सनी एरिया और इन अ वेरी सनी डे. बोथ आर फ्रेग्रेंस फ्री एज वेल. Now talking about them one by one, first is this vitamin C plus E super bright sunscreen. As I mentioned, इसके अंदर UVA, UVB, broad spectrum सब कुछ आपको मिल जाएगा. It has triple vitamin C and has literally no white cast. So ये basically उनका famous हुआ था for its texture. It has literally water-like texture and it is super 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 lightweight. So I still remember when they launched this product, तो उस time पे market में बहुत ज़्यादा ऐसे sunscreens नहीं थे जिनका टेक्स्चर जो है बिल्कुल वॉटरी हो, एकदम रनी हो, एंड दे आर यू नो गिविंग द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज वेल. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रीसी सनस्क्रीन्स होते थे, थिक सनस्क्रीन्स होते थे, बट दिस प्रोडक्ट गॉट दी हाइप बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मुलेशन ओनली. एंड आज भी अगर आप नायका पे लेने जाओगे सो इसका OG फैक्टर ऊपर लिखा हुआ है, वाटर लाइक टेक्स्चर. सो दैट्स वाई इट इज सो 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 फेमस एंड दैट इज द ओनली रीजन इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेस्ट सेलर ऑन ईच एंड एवरी वेबसाइट. आप सनस्क्रीन डालोगे सो ये आपको बेस्ट सेलर्स में टॉप पे ही दिख जाएगा. एनीवेज, सो दैट्स हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. इसका अगर मैं टेक्सचर आपको दिखाऊं, सी इट इज सुपर डुपर रनी. कैन यू सी दिस? बहुत ज़्यादा रनी फॉर्मुलेशन है इसका. एग्जैक्टली बिल्कुल वाटर लाइक टेक्स्चर है, बट इट विल गिव यू द प्रोटेक्शन जो एक सनस्क्रीन का काम होता है, ये बिल्कुल वो करेगा इफ़ यू जस्ट ब्लेंड इट आउट. सो बहुत ईजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई भी ग्रीसीनेस, कोई भी ऑयलीनेस कुछ भी आपके फेस पे ऊपर आपको नहीं दिखेगा. इट विल जस्ट एब्जॉर्ब सो क्विकली ऑन योर स्किन. यू कैन सी इट इज नाउ ब्लेंडेड एंड देर इज नो ग्रीसीनेस व्हाट्सोएवर. बिल्कुल भी स्टिकी भी नहीं है, कोई ऑयलीनेस नहीं है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है. एंड इट ऑल्सो मॉइस्चराइजेज दिस एरिया ऑफ माई हैंड. एज वी ऑल नो वाइटामिन सी इज गुड फॉर ब्राइटनिंग अप योर स्किन. सो अगर आपको डलनेस का इशू है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल रहती है एंड ऑल्सो यू हैव एक्ने प्रोन स्किन लाइक मी, मुझे हर एक दिन एक्ने होता रहता है, अभी भी मुझे एक्ने हुए इस साइड 2-3. सो अगर आपको एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू है एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइट वेट यट विच विल गिव यू अ गुड प्रोटेक्शन एंड अ गुड स्पेक्ट्रम एज वेल, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. जितना भी डलनेस है आपके फेस पे, अगर कुछ पिगमेंटेशन है, जो लाइट पिगमेंटेशन है उसको ये डेफिनेटली हील करेगा, सनबर्न होने से आपकी स्किन को प्रिवेंट करेगा. This has UV filters and it also has blood orange जो boost करेगा collagen को and it will also re-energize your skin. So आपकी skin हमेशा soft, supple and youthful रहेगी with the daily use of this product. Now अगर आप धूप में नहीं भी जा रहे हो, please make sure to apply sunscreen even if you are sitting at home because rays तो हर जगह होती है ना, you cannot see with your naked eyes. So do not skip on your sunscreen. अपने AM रूटीन में डेफिनेटली एक अच्छा सनस्क्रीन इंक्लूड करो एंड दिस इज अ रियली 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 गुड प्रोडक्ट. टॉकिंग अबाउट दिस वन विच इज माई पर्सनल फेवरेट. जब बहुत ज्यादा गंदे वाली गर्मियां आती है ना, जैसे अभी मई जून की आएंगी, तब उस टाइम पे मैं ये वाला हमेशा 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 यूज करती हूँ. आपने मेरे पुराने वीडियोज में भी देखा होगा, एक दो शॉर्ट्स में मैंने इसको लगाया है. एनीवेज, दिस इज देयर डॉटिन की वाटरमेलन सनस्क्रीन विच हैज वाटरमेलन एंड हाइलरॉनिक एसिड एज वेल. इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो है ही, UVA प्लस, UVB, SPF 50, PA ट्रिपल प्लस. इट ऑल्सो हैज वाइटामिन डी एंड ये फेमस है अपने कूलिंग इफेक्ट के लिए. जैसे आप जब सनस्क्रीन लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस या आपको सफोकेटेड फील होता है स्किन पे, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट द केस विद दिस वन. इसको आप लगाओगे तो एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने सनस्क्रीन पुट किया है. कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी थिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ. सो दैट्स हाउ द कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक. डेफिनेटली वो वाला जो है बिल्कुल वाटर लाइक था, बट इसका जो है टेक्स्चर थोड़ा सा थिक है. बट अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी लाइट वेट एंड इसमें भी सेम आपको कोई वाइट कास्ट नहीं मिलेगा, नो ग्रीसीनेस, नो ऑयलीनेस व्हाटसो एवर. लेट मी जस्ट ब्लेंड इट आउट. यू कैन सी इट हैज़ ब्लेंडेड ऑन माई हैंड एंड देर इज़ नो वाइट कास्ट. बिल्कुल भी स्टिकी ये भी नहीं है.
एंड थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट देता है. नाउ दिस इज गुड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एक्ने गोइंग ऑन योर फेस, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इचीनेस हो रही है. कुछ लोगों को समर्स में या विंटर्स में भी इवन प्रॉब्लम हो जाता है रेडनेस का, दे हैव इची स्किन तो उससे जलन होने लगती है. सो उस केस में ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है बिकॉज इट इंस्टेंटली प्रोवाइड्स द कामनेस टू योर स्किन. ये बहुत ज्यादा ठंडक प्रोवाइड करता है. यू कैन ऑल्सो स्टोर इट इन अ रेफ्रिजरेटर, तो उसके बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो. बट एनी विच वेज इसका नेचर काफी अच्छा है, आपके पिंपल्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स और बहुत ज्यादा सूद करने में ये प्रोडक्ट हेल्प करता है. दिस ऑल्सो हैज़ यू वी फिल्टर्स और ये कंट्रोल करता है एक्सेस ऑयल को जो फेस पे काफ़ी ज़्यादा आता है, एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड दैट कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट ऑन योर फेस. इट ऑल्सो हैज़ हाइलुरोनिक एसिड इन इट, सो जो आपको लाइट वेट हाइड्रेशन मिल जाएगा इससे. तो अगर आपको ऐसे डबल ट्रिपल स्टेप्स नहीं करने अपने स्किन केयर में, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ वन प्रोडक्ट, तो आप इसी का ही अच्छा 2-3 फिंगर रूल्स अपने फेस पे अप्लाई करो, तो आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इट इज़ दैट गुड. अगर मैं कंपैरिजन करूँ दोनों प्रोडक्ट्स का, सो दोनों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग ब्राइटनिंग अप, अगर आपके फेस पे डलनेस ज़्यादा है तो आप ये वाला प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो. बट इफ़ यू हैव लॉट ऑफ एक्ने ऑन योर स्किन, आपके स्किन पे रेडनेस का इशू है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, इचीनेस हो जाती है, गो फॉर दिस वन बिकॉज इट विल प्रोवाइड इंस्टेंट कामनेस टू योर स्किन. अगर आपको विटामिन सी सूट करता है या अगर आप जस्ट स्टेप इन करने वाले हो विटामिन सी की जर्नी में, लाइक मी, विटामिन सी मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, मेरे जो पिंपल्स हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं उससे. सो इस तरीके के प्रोडक्ट आपको उसमें हेल्प करेंगे बिकॉज इट हैज़ अ वेरी माइल्ड विटामिन सी इन इट, उसका एक पोर्शन इसके अंदर है. सो उस तरीके से आप विटामिन सी वाली जो जर्नी है उसको बिगिन कर सकते हो. अगर आप सीरम्स में जाना चाह रहे हो या विटामिन सी की प्रॉपर्टीज अपने फेस पे चाहते हो, सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट जिनके अंदर वो एक इन्फ्यूज फॉर्म में होता है. If you are going for an instant hydration on your face and you don't want to apply a lot of moisturizers, if you want to go with the hyaluronic acid thing, अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा dry रहती है और itchiness रहती है आपके face पे, as I mentioned, go for this one because it has the properties of vitamin D and hyaluronic acid, जो प्लस इट ऑल्सो हैज़ बीटरूट एक्सट्रैक्ट, सो वो आपके स्किन को सूद करने में भी हेल्प करेगा और मॉइस्चराइज करने में भी हेल्प करेगा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट मी, सो आई यूज दिस इन विंटर्स, इवन इन लाइट समर्स एज वेल. जैसे अभी समर स्टार्ट हुई है सो उसमें मैं इसको यूज कर रही हूँ, एंड ये वाला मैंने रखा हुआ है बिकॉज जब एक्सेसिव समर्स आ जाएंगी, मई जून वाली गर्मी, तब मैं इसको यूज करूंगी. एंड इसको लगा के आप बाहर जा सकते हो इजिली. दोनों ही प्रोडक्ट्स आपको 2-3 घंटे के लिए आराम से प्रोटेक्ट करेंगे. रीअप्लीकेशन डेफिनेटली इन दोनों का ही रिक्वायर्ड है, सो मेक श्योर आप इनको रीअप्लाई करते रहो अगर आप बाहर बहुत लंबे टाइम के लिए धूप में हो तो. इसी के साथ मैं आपको थोड़े से सनस्क्रीन के टिप्स भी दे देती हूँ. ऑलवेज 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 मेक श्योर टू अप्लाई योर सनस्क्रीन इवन इफ यू आर सिटिंग एट होम. अगर बाहर जा रहे हो तो बिल्कुल ही लगाओ, बट अगर घर पे भी बैठे हो तब भी आपको एक अच्छा सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ यू आर स्टेपिंग आउट, मेक श्योर कि आप 15-20 मिनट पहले अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लो. तुरंत अप्लाई करने के बाद तुरंत बाहर जाओगे तो वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा और एक जो शील्ड होती है आपके फेस पे वो नहीं बनेगी. सो मेक श्योर अपने को टाइम दो, 15-20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाओ और उसके बाद ही आप बाहर जाओ. सनस्क्रीन की क्वांटिटी कितनी लगानी है, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, डाउट होता है कितना सनस्क्रीन लगाना है. कुछ लोग डॉट डॉट लगा लेते हैं. नो, ऑलवेज मेक श्योर कि आपको 2 फिंगर रूल अप्लाई करना है अगर आपको एक अच्छी लेयर चाहिए. अगर आपको और ज़्यादा थिक लेयर चाहिए सो आप 3 फिंगर रूल भी अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली अगर लगा रहे हो सो एक स्ट्रोक इधर, एक स्ट्रोक इधर और एक स्ट्रोक आपके फोरहेड पे, एंड जस्ट ब्लेंड इट आउट. अपने नेक को हमेशा कवर करो, एयर्स को हमेशा कवर करो. अगर कोई बॉडी पार्ट्स हैं ऐसे जो आपके, जैसे नाउ आई एम वेयरिंग दिस स्लीवलेस कुर्ती, सो अगर मैं इसमें बाहर जाऊंगी सो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपनी आर्म्स को भी प्रोटेक्ट करो, उस पर भी बॉडी सनस्क्रीन लगाओ, या फिर आप ये वाले सनस्क्रीन भी आराम से लगा सकते हो. ये बॉडी पे भी काम करते हैं एंड ये आपको सनबर्न होने से बचाएंगे बेसिकली.
इफ यू आर डूइंग अ स्किन केयर रूटीन तो उसमें सनस्क्रीन जो है बिल्कुल लास्ट स्टेप होना चाहिए आफ्टर योर मॉइस्चराइजर सीरम्स जो भी आपने जितना भी लगाया है प्रोडक्ट टोनर फिर सीरम्स देन मॉइस्चराइजर सबसे लास्ट में आप सनस्क्रीन लगाओगे और हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट के बीच में 30-40 seconds का गैप दोगे सो दैट वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड वंस यू आर डन विद ऑल योर स्किन केयर तब आप एक अच्छी थिक लेयर सनस्क्रीन की लगाओगे एंड लेट इट एब्जॉर्ब वेट फॉर 15-20 minutes एंड देन ओनली स्टेप आउट ऑफ योर हाउस. अगर आप मेकअप करके बाहर निकल रहे हो सो सनस्क्रीन के बाद आप प्राइमर उसके बाद अपना जो भी मेकअप आप करना चाहते हो वो कर सकते हो. आई होप दिस मच इन्फॉर्मेशन इज इनफ रिगार्डिंग टू सनस्क्रीन. अगर आपको और कोई क्वेश्चन है और कुछ आप जानना चाहते हो सो कमेंट सेशन इज ऑल फॉर यू सो आप उसमें पूछ सकते हो. आई वुड लव टू आंसर ऑल योर कॉमेंट्स. ऑल्सो अभी डॉट एन की के जो न्यू लॉन्चेज हुए हैं सनस्क्रीन के उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो. मैं उन पर भी एक डिटेल्ड रिव्यू बना सकती हूँ. इफ यू वॉन्ट एनी ऑफ द प्रोडक्ट रिव्यू फ्रॉम डॉट एन की और फ्रॉम एनी अदर ब्रांड एज वेल लेट मी नो. I'll try to make a video for you. So yes, here we come to an end to this video. I really hope that you enjoyed watching this. अगर आप अपनी स्किन केयर जर्नी में जस्ट स्टेप इन कर रहे हो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपको लेना चाहिए दैट शुड बी अ सनस्क्रीन अ गुड सनस्क्रीन. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ और लगाओ या मत लगाओ टोनर सिरम कुछ भी मत लगाओ बट जस्ट पुट अ गुड थिक लेयर ऑफ सनस्क्रीन. वो आपको सनबर्न से और जितने भी बाहर यू नो यूवीए यूवीबी से डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करेगा. सो आपकी स्किन वैसे भी थोड़ी अच्छी रहेगी ही उससे. इफ़ यू आर अ मेल फीमेल टीनेजर वुमेन कोई भी आप हो कोई भी जेंडर हो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर इरिस्पेक्टिव ऑफ एज प्लीज स्टार्ट पुटिंग सनस्क्रीन ऑन योर सेल्फ. आजकल तो बेबीज के लिए भी सनस्क्रीन लॉन्च हो गए हैं मार्केट में बट आप स्कूल टाइम से इनको इजिली लगाना स्टार्ट कर सकते हो. कोई भी प्रोडक्ट लगाओ प्लीज मेक श्योर टू डू अ पैच टेस्ट बिफोर एंड रेस्ट. अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेशन में पूछ लेना एंड आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस बाय गाइज मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन.